दिल्ली, जहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इन्हें 100 दिन पूरे होने के बाद में जो पहली कैबिनेट मीटिंग की है, इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। पहला फैसला साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी आर्थिक व्यवस्था प्रोग्राम्स। साथियों, मैं इसके बाद में सेकंड पॉइंट पे आऊंगा। आपने देखा कि किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए एक के बाद एक नए प्रोग्राम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने, एनडीए सरकार ने अप्रूव किए, और उसी कड़ी में आज एनपीके फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी, उसके लिए 24,475 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। आप सब जानते हैं कि मार्केट की जो मूवमेंट्स होती है दुनिया भर में, जो डिसरप्शन एक सप्लाई चेन में चल रहा है, प्लस मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट है, उन सबको देखते हुए जो प्राइस में बहुत एक ग्लोबल प्राइसेस में जो डिसरप्शन आया हुआ है, उससे हमारे किसान कैसे टोटली अनअफेक्टेड रहे, कैसे अफोर्डेबल प्राइस पे फर्टिलाइजर मिलता रहे, इसलिए आज कैबिनेट में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 24,475 करोड़ की अप्रूव हुई है, और फाइनेंशियल बर्डन किसानों पर से कम होगा। और दूसरी एक बड़ी बात है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड करने से किसान अपने फार्म लैंड पे, अपने खेती के प्रोग्राम में बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं। एनपीके और एस, इन चारों के चारों न्यूट्रिएंट्स को अगर ढंग से इस्तेमाल में ले तो उसमें खेती में बैलेंस एक आता है। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है किसानों की इनकम के प्रोटेक्शन के लिए, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। ये साथियों बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, जो देश में जो हमारी दालें हैं, अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, तिल है और भी कई तरह के जो ऑयल सीड्स हैं, उन सब में कैसे किसानों को और प्रोत्साहित करें, और उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी, एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में। मान लीजिए किसी फसल का एमएसपी 100 रुपये और अगर मार्केट में प्राइस 80 रुपये है, तो उस केस में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को इस स्कीम के तहत मीट किया जाता है। सेकंड, मान लीजिए कभी ओवर प्रोडक्शन के कारण प्राइस एकदम कम हो गया मार्केट में, तो किसानों के लिए कैसे एक प्राइस स्टेबलाइजेशन का मैकेनिज्म बने, वो इसमें निहित है कि अगर प्राइस ऐसा होता है तो उस केस में गवर्नमेंट एक बड़ी क्वांटिटी खरीद के उसको एक बफर स्टॉक की तरह यूज करेगी। और साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं, आप और हम जो सारे कंज्यूमर्स हैं, उनका प्रोटेक्शन कैसे हो, वो बैलेंस भी इस स्कीम में लाया गया है। माननीय शिवराज जी आपको बहुत डिटेल में इसकी विस्तृत जानकारी देंगे, मैं यहाँ पे ब्रीफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रख रहा हूँ। इंटीग्रेटेड प्राइस सपोर्ट एंड स्टेबिलाइजेशन, फिर प्राइस डेफिसिट पेमेंट और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 35,000 करोड़ रुपीज के एलोकेशन से ये बना है। और जो बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम दाल में और तिलहन में, पल्सेस और ऑयल सीड में, वी शुड बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट इन आवर कंट्री, उस मिशन में ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इन तीन प्रोग्रामों के बाद में फोर्थ जो बड़ा डिसीजन आया है, आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंक्लूसिव ग्रोथ, सर्वसमावेशी विकास, सारे समाज के सभी वर्गों को साथ लेके डेवलपमेंट करने का जो एक 10 साल में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दुनिया के सामने रखा है और जिससे जन जन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, उसी में आज एक नया प्रोग्राम जुड़ा है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, सैचुरेशन मोड।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लाल किले से ये शब्द कहा था कि हमें समय आ गया है कि हम जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उन बेसिक फैसिलिटीज को सैचुरेशन मोड में लोगों के सामने लेके जाएं। यानी जो 50-60 साल तक एक सरकार का एक क्रम चलता था जिसमें किसी एक गांव में दो घर बन गए, तीन घर बन गए, वैसा नहीं। मोदी जी का ये कहना है कि सैचुरेशन मोड हो, और इसीलिए आपने देखा टेलीकॉम में 46,000 टेलीकॉम टावर्स अप्रूव हुए।